नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल मूवीज़ फॉर के टेक पर स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप सबको पता है क्योंकि टिकटॉक है जो इंडिया में बैन होने वाला है। जी हाँ, इंडिया में टिकटॉक का बैन कंफर्म है। यार इम्यूनिटी की वीडियो है जो वो यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी, उसी के कारण अब जो टिकटॉक है बैन होने वाला है। यस जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे टिकटॉक बैन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेट मूवीज फॉर के टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही आपको पता है कि पिछले साल भी एक साल पहले टिकटॉक ने है जो बैन होना था और वैसे हो ही गया था इंडिया में ही, तो अब आप देख सकते हैं कि टिकटॉक के जो, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक के सबसे ज़्यादा यूजर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं और उसके बाद USA में, चाइना में यूट्यूब नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, पर उनके खुद की एप्लीकेशन चाहिए। इन चाइना में यूट्यूब ने यूक्यू है और व्हाट्सएप ने विकी है, विक्सी ऐसा नाम है वो है। उस पर चाइना में अपनी ही जो उनकी एप्लीकेशन है वो कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते, वो जो अपने एप्लीकेशन से पानी यूज करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका जो डाटा है, जो उनके सीक्रेट्स हैं वो चोरी हो सके, क्योंकि वो अपने अपने सीक्रेट्स को हर एक जगह से जहाँ से वो उनका डाटा चोरी हो सकता है उसको बंद करके रख रहे हैं। इसलिए वहाँ पर यूट्यूब, गूगल या ऐसे कुछ नहीं चलता, क्रोम भी नहीं चलता वहाँ पर गूगल का, उनका अपना ब्राउज़र है जो बना हुआ है चाइना में। पर उनके ही जो टिकटॉक के द्वारा जो हमारा डाटा है चोरी होता है, पर टिकटॉक कहता है कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। जो भी हम देखते हैं खाते हैं पीते हैं सब कुछ है जो चोरी हो सकता है, सारा डाटा है जो चोरी कर लेते हैं कि हम क्या देखते हैं। तो हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो इसका यूज़ करते हैं टिकटॉक का। टिकटॉक का यूज़ करने से जो चाइना को पता चल जाता है कि ये क्यों है, क्या कर रहा है, क्या इनकी सैलरी सब कुछ है, इसको पता चल सकता है फ़ोन के द्वारा, क्योंकि आपने सब आईडी ही बना ली। अब आप सब इनकी एप्लीकेशन, इनकी परमिशंस देखेंगे ना, प्ले स्टोर पर जाकर इनकी सेटिंग्स में परमिशंस देखना टिकटॉक की, कि सभी इन्होंने अलाउ किया हुआ कैमरा और पिक्चर्स, फोन रिकॉर्डिंग कॉल्स सब कुछ इन्होंने परमिशन मांगी हुई है। उस पर उन परमिशंस को अलाउ करने के बाद ही आप इंस्टॉल कर सकते हो टिकटॉक। उस वो पहले भी एक साल पहले टिकटॉक पर टिकटॉक हो बैंड हो गया था, क्यों, क्योंकि टिकटॉक ने वापस आने के लिए 7 लाख से ज़्यादा वीडियोस ऐसे ट्रीट की थी, क्योंकि जो वीडियोस थी वो अच्छी नहीं थी, चिल्ड्रन एब्यूज के खिलाफ थी, मतलब चिल्ड्रंस के जो रूल्स थे उसके लिए नहीं थी, मतलब बहुत वायलेंट और वीडियोस हैं जो उस पर आती हैं दोस्तों टिकटॉक पर। और अब जो USA में तो ये कंफर्म है कि टिकटॉक बैन है, और इंडिया में भी ये कंफर्म हो गया है टिकटॉक बैन होने वाला है। और जब से कैलिमिनिटी की वीडियोस है जो ट्रीट की है यूट्यूब में, तब से तो ये पक्का है कि यूट्यूब टिकटॉक को हम बैन करा कर देंगे। अगर आप हमसे सहमत हैं, टिकटॉक को बैन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पता नहीं है तो आप ट्विटर खोलिए और उस पर ट्रेंडिंग टॉपिक देखिए। आप आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपका जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो टिकटॉक बैन इंडिया, बैन टिकटॉक इन इंडिया की हैशटैग बैन टिकटॉक इन इंडिया, ये है जो चल रहा है। 2 लाख के करीब इसकी जो पोस्टर्स हैं लोगों ने डाल दिए हैं, ट्वीट दिए हैं ट्विटर पर। आपका ये अब तक आज तक ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी और अर्निंग के द्वारा हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।